और बताओ सब बढ़िया? तो करें वीडियो को स्टार्ट, चलो करते हैं। सो हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पांच बहुत ही बढ़िया दस हो गए ना पांच बहुत ही बढ़िया फोन बताने वाला हूँ अंडर 25,000। और सारे फोन बहुत बढ़िया फोन है। यहाँ पर आपको चाइनीज प्लस नॉन चाइनीज, परफॉर्मेंस किलर, कैमरा किलर, बैटरी किलर, डिस्प्ले किलर, मतलब हर एक चीज के खूनी फोन मिल जाएंगे। और इस लिस्ट के अंदर ना जितने भी फोन है उन सभी फोन की मैं आपको अच्छाइयां प्लस बुराई दोनों बता दूंगा, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई कोई भी फोन होता है परफेक्ट नहीं होता, हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है तो उसके लिए अलग फोन होता है। तो आपको मैं डिटेल में लास्ट में बता भी दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है। फोन के साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है। मान लो जैसे आपको कैमरे सेंट्रिक फोन चाहिए तो आपको बता दूंगा कैमरे के लिए ये अच्छा है। अगर आपको परफॉर्मेंस बीस्ट चाहिए तो आपका परफॉर्मेंस का बता दूंगा। तो हर एक फोन अपनी अलग उसके लिए होता है, एंड जो फोन आपकी नीड पूरी कर दे वही आपके लिए परफेक्ट फोन हो जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर नहीं शुरुआत तो हुई गई तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर लेना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो चलते हैं अपने लिस्ट के फिफ्थ फोन पर। हमारी लिस्ट का फिफ्थ फोन आता है Realme X2। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिलेंगे, एंड आपको जो बैक मिलेगी ग्लास की बैक मिल जाएगी। तो चलते हैं कैमरे डिपार्टमेंट। जैसा आपको बता दी बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बात करते हैं सेल्फी की, तो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। ऑन पेपर ना भाई ऐसे नंबर आपको काफी तगड़ा लग रहा होगा कि 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, बट भाई इसके रियलिटी में सेल्फी ना उतनी तगड़ी नहीं है जितना यहाँ पर आपको नंबर बताया गया। तो एक थोड़ी सी कमी हो जाती है इस फोन के साथ। बाकी परफॉर्मेंस तो बीस्ट आपको मिल जाती है, अंडर 20,000 के हिसाब से भी बीस्ट परफॉर्मेंस और 25,000 के हिसाब से भी बीस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। तो चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। तो इधर आपको स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर मिल जाएगा, 8nm का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, एड्रिनो का 618 का जीपीयू भी मिल जाएगा। तो वहीं चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको गेम तो खेलनी है बट कितनी देर तक खेलनी है ये तो फोन की बैटरी एंड मम्मी की मार पे डिपेंड हो क्या बोलता हूँ। तो चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। इधर आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, एंड 30W की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। तो वही बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों मिल जाएगी, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा, सारी सेंसर मिल जाते हैं, रियलमी UI मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, एंड फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो इधर आपको 8GB की रैम, 256GB की रोम मिल जाएगी 23,000 के प्राइस पर। यानी कि स्टोरेज, रैम, परफॉर्मेंस, कैमरा वैमरा सब बहुत बढ़िया मिल रहा है, मतलब और सुपर एमोलेड पैनल मिल जाता है तो ये तो और भी तगड़ी चीज हो जाती है। तो अगर आप लोग ऐसे गेमिंग के लिए कोई फोन देख रहे हो एमोलेड डिस्प्ले वाला तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, वरना चलते हैं अपने लिस्ट के फोर्थ फोन पर। हमारी लिस्ट का फोर्थ फोन आता है OnePlus Note, और ये बिल्कुल लेटेस्ट फोन है। इस फोन की खास बात की यहाँ पर भाई आपको फ्लूइड एमोलेड पैनल मिल जाता है, यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट काफी अच्छा मिल जाता है, 5G फोन मिल जाता है, बैटरी हर एक चीज बहुत बढ़िया मिलने वाली है, और सबसे तगड़ी चीज इधर आपको ऑक्सीजन UI मिल जाता है जो काफी बढ़िया चीज है। तो शुरुआत कर लेते हैं OnePlus Note के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस का 90Hz का फ्लूइड एमोलेड पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पंच होल नॉच मिल जाएगी, बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिलेंगे, एंड जो आपको बैक मिलेगी ग्लास की बैक मिलेगी, एंड जो आपको बैक का जो फ्रेम होता है ये जो साइड वाला ये आपको प्लास्टिक का मिलेगा। तो थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर कमी कर देता है कि आपका जो फ्रेम मिलता है वो आपको यहाँ पर प्लास्टिक का मिलता है। बाकी इस फोन का डिजाइन काफी ज्यादा क्लासी लगता है। तो वहीं चलते हैं कैमरे डिपार्टमेंट। जैसे आपको बता दिया बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और एक तगड़ी चीज यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो ऐसे शेक वगैरह कम होगी आपकी वीडियो, एंड काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। तो वहीं चलते हैं सेल्फी डिपार्टमेंट। इधर आपको फ्रंट साइड के अंदर दो कैमरे मिल जाते हैं, 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60fps पे। तो चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको स्नैपड्रैगन 765G का 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, एड्रिनो का 620 का GPU मिल जाता है। जैसे कि आपको चल गया कि भाई जो प्रोसेसर इधर आपको मिलता है 5G प्रोसेसर मिलता है, एंड ये जो प्रोसेसर है 730G का सक्सेसर है, तो इधर आपको 730G से और अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो वहीं चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट। इधर आपको 4001
115mAh की बैटरी मिल जाएगी, 30W की फास्ट चार्जिंग एंड टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। तो वही बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड के लिए भी कोई स्लॉट नहीं मिलता, HDR10+ को ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, ऑक्सीजन UI भी मिल जाता है। तो वही बात कर लेते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो आपको 6GB की रैम 64GB की रोम मिलती है 25,000 के प्राइस पर, बट यहाँ पर भाई एक कमी है कि इसका ये वाला जो वेरिएंट है ना, ये आपको जुलाई तो भी चल ही रहा है, तो आपको जुलाई में भी नहीं, अगस्त में भी नहीं, सितंबर में मिलेगा इसका ये वाला वेरिएंट 6GB की रैम 64GB की रोम वाला। बाकी इसका जो दूसरा वेरिएंट है 8GB की रैम 128GB की रोम वाला, जिसका प्राइस आपको 28,000 का मिलता है, ये वाला वेरिएंट आपको 4 अगस्त को मिल जाएगा, जब इसकी सेल आएगी तब आपको मिल जाएगा, एंड ये ओपन सेल के अंदर आएगा, ये भी एक काफी तगड़ी चीज है। तो इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला, वो आपको 25,000 का मिलता है। अगर आप लोग उसके लिए वेट कर सकते हो तो आप लोग कर सकते हो, मतलब करना चाहते हो तो कर सकते, एंड 5G फोन है तो शायद आप लोग कर भी सकते हो। एंड OnePlus भाई अपडेट टाइम टू टाइम बिल्कुल ऐसे तगड़े अपडेट देता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड जो इसका UI वो भी काफी बढ़िया है, तो आप लोग ले सकते हो OnePlus का फोन अगर आप लोग लेना चाहते हो। तो चलते अपने लिस्ट के थर्ड फोन पर। तो हमारी लिस्ट का थर्ड फोन आता है Asus 5G। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.2 इंचेस के फुल HD प्लस का IPS पैनल मिल जाएगा, जो आपको बैक मिलेगी मेटल की बैक मिलेगी, यहाँ पर आपको बैक साइड के अंदर दो कैमरे मिल जाएंगे, एंड आपको बैक साइड के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो चलता है कैमरे डिपार्टमेंट, इधर आपको बैक साइड के अंदर दो कैमरे मिलते हैं, 12+8MP अल्ट्रा वाइड, यहाँ पर जो आपको सेल्फी मिलती है 8MP की मिल जाती है। तो बात करते हैं प्रोसेसर की, इधर आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है, थोड़ा पुराना प्रोसेसर है बट लेकिन परफॉर्मेंस में अभी भी बीस्ट है काफी ज्यादा। ये आपको 10mm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, एड्रिनो का 630 का आपको GPU भी मिल जाता है। तो बात करते हैं बैटरी की, तरफ आपको 3300mAh की बैटरी मिलती है, जो थोड़ी सी कम लगती है, 4000 होती तो काफी अच्छा होता, क्योंकि फोन थोड़ा पुराना हो चुका है, एंड जो Asus का UI है ना वो थोड़ा सा मतलब लैगी मिलता है, बट लेकिन इस फोन की एक खास चीज मैं आपको आगे बताता हूं। इधर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। एंड बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर भाई AI ऐसे भर भर के दे रखा है, मतलब हर एक चीज के अंदर AI मिल जाता है, मतलब ये फोन आपको लगेगा कि ये सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया, मतलब जो चीज आप खोलोगे ना इतनी जल्दी क्विक खुल जाएगी, क्योंकि AI का काफी बड़ा रोल है इस फोन के अंदर, मतलब AI ऐसे कूट कूट के डाल दिया इस फोन के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफी तगड़ी चीज है, मतलब AI के साथ आपका ना एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होने वाला है इस फोन के साथ। यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, सारी सेंसर मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, जो काफी तगड़ी चीज है, इधर भी आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, Zen UI मिल जाता है, 3.5mm का जैक भी मिल जाता है। तो वही बात कर लेते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इधर आपको 8GB की रैम 256GB की रोम मिल जाएगी 22,000 के प्राइस पर। तो अगर आप कोई नॉन चाइनीज फोन देख रहे हो ना, मतलब सोच रहे नॉन चाइनीज फोन लेना है, बढ़िया परफॉर्मेंस वाला लेना है, बट इसमें बैटरी की थोड़ी कमी है, थोड़ा ना कैमरा भी इसका मतलब आउटडेटेड हो चुका है, तो प्रोसेसिंग वगैरह करके भी आज के जो युग के कैमरा चल रहे हैं 2020 के, मतलब 2020 के, तो उनसे टक्कर वगैरह लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट लेकिन इसका अंदर जो AI दे रखा है काफी तगड़ा दे रखा है। तो अगर आप लोग कोई ऐसे नॉन चाइनीज फोन गेमिंग के लिए देखना चाहते हो तो आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। तो चलते हैं अपने लिस्ट के सेकंड फोन पर। ओके लेट्स गो। सेकंड फोन आता है Redmi K20 Pro। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर AMOLED पैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा मिलता है, जो काफी तगड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पर ना पॉपअप कैमरा जो होता है सिक्योरिटी के हिसाब से काफी तगड़ा होता है, मतलब आपका कैमरा बाहर रहता है, आपको ना ऐसे डर लगा रहता होगा क्या पता कौन सी ऐप ने कौन सी परमिशन वगैरह ले रखी हो, एंड आपके कैमरे के थ्रू आप पर नजर रख रही हो, तो पॉपअप के अंदर आपका कैमरा फोन के अंदर है, एंड सिक्योरिटी के हिसाब से काफी तगड़ी चीज हो जाती है, एंड आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छी लगे, क्योंकि भाई आपको कोई भी पंच होल वगैरह वोल्टेज ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, तो काफी मजा आएगा अगर आप कुछ देखते हो। यहाँ पर आपको बैक साइड के अंदर तीन कैमरे मिलते हैं, एंड जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलती है, एंड जो इसका फ्रेम है मतलब वो आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, जो आपका साइड का फ्रेम होता है एल्यूमिनियम का मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी से काफी तगड़ी मिलने वाली है। एंड इस फोन का डिजाइन भाई मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है, जो इसका रेड ब्लैक या ब्लू ब्लैक वाला कलर है तो भाई काफी तगड़ा लगा है मुझे। तो अगर आप किसी डिजाइन और इसका ना कैमरा, मतलब आपको सुनने में तो तीन लग रहे हैं कि भाई ट्रिपल कैमरा, बट काफी तगड़े कैमरे है, इधर आपको टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है, तो ये काफी तगड़ी चीज हो जाती है। तो चलते कैमरा डिपार्टमेंट, जैसा वो होता है बैक साइड के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा
कैमरे मिलते हैं 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस प्लस 13 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड का भी मिल जाता है। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS पे। बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आपको 20 मेगापिक्सल की पॉपअप वाली सेल्फी भी मिल जाती है। तो ऐसे कैमरा वैमरा भी इसके काफी तगड़े है, एंड ये जो फोन है ना काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज फोन है, तो ये भी काफी तगड़ी चीज हो जाती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, इधर आपको स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर मिल जाता है, 7 mm का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 640 का आपको GPU भी मिल जाता है। तो चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, इधर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, 27W की फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 18W का ही चार्जर मिलता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बात करते हैं पोर्ट की, तो इधर आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सट्रियाज फीचर्स की, तो इधर आपको गोरिल्ला ग्लास सेफ्टी प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, 3.5mm का जैक मिलता है, काफी तगड़ी चीज है। यहाँ पर आपको कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, यहाँ पर आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिल जाता है, Android 10 मिल जाता है, MIUI 11 मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि अगर आप गेम वगैरह खेलते हो ना तो आपका फोन हीट होगा तो ठंडा भी ऐसे जल्दी टाइप हो जाएगा। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइसिंग की, तो इधर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाएगी 25,000 के प्राइस पर, यानी कि आपके बजट के अंदर। इसका जो बेस वेरिएंट है तो काफी तगड़ा है, मतलब 6GB की रैम भाई काफी सही रहते हैं गेमिंग वगैरह के लिए, एंड 128GB का स्टोरेज तो ऐसे मजा टाइप किया जाता है, काफी अच्छा होता है 128GB का स्टोरेज भी। तो अगर आप लोग कोई गेमिंग वाला फोन देख रहे हो ना और देख रहे हो कि भाई मेरे को उसके साथ सुपर एमोलेड पैनल भी मिल जाए, काफी अच्छा कैमरा मिल जाए, मतलब ऑलराउंडर फोन देख रहे हो, तो आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो, काफी तगड़ा फोन है एंड गेमिंग के लिए एक अच्छी चीज और मिलती है। इधर आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाता है, जो काफी तगड़ी चीज है, मतलब आपको लेटेंसी वगैरह नहीं मिलती, तो ये काफी तगड़ी चीज हो जाती है। एंड गेमिंग के टाइम पे आपको कुछ ना ऐसे बीच में दिक्कत वगैरह भी नहीं होगी, ऐसे पंच होल वगैरह हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इधर आपको वो भी कोई दिक्कत नहीं मिलती। एंड अगर आप लोग गेमिंग के लिए कोई फोन नहीं देख रहे एंड देख रहे डे टू डे टास्क के लिए, तब भी आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। वैसे आप में से 95% ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो को तो देख लेते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर लो। अब करते हैं वीडियो को दोबारा से स्टार्ट, आ जाओ। तो चलते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 फोन पर। तो माय लिस्ट का फर्स्ट फोन आता है रियलमी X3, एंड ये मतलब गेमिंग के मामले में ऐसे काफी तगड़ा फोन है, प्रोसेसर इतना तगड़ा मिल जाता है, मतलब फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है, एंड डिस्प्ले वगैरह भी काफी तगड़े मिल जाते हैं, मतलब IPS वाले मिलता है, बट लेकिन 120Hz का यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। तो शुरुआत कर लेते हैं Realme X3 के डिस्प्ले डिजाइन से, तो इधर आपको 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलेगा, यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डुअल पंच होल कैमरे मिल जाएंगे, ब्लैक आपको जो मिलेगी ग्लास की बैक मिलेगी, एंड बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं इस फोन के कैमरा डिपार्टमेंट, जैसा पता है इस फोन के अंदर आपको बैक साइड में चार कैमरे मिल जाते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट, एंड ये चीज मुझे पसंद नहीं आई कि 2 मेगापिक्सल के मैक्रो शॉट का क्या देना था, मतलब नहीं देते 3 कैमरे देते तो काफी अच्छा रहता, बट भाई ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट मत दिया करो। तो बात करते हैं सेल्फी की, इधर आपको 16 प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए भी मिल जाता है, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह का भी सोच रहे हो तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, या फिर आप वन प्लस नोट की तरफ भी जा सकते हो, उसकी भी सेल्फी काफी तगड़ी है। तो चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में, इधर आपको प्रोसेसर बीस्ट प्रोसेसर मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस का, या आपको 7mm का प्रोसेसर मिलता है, 18 का 640 का GPU मिल जाता है। अगर आप कोई गेमिंग के लिए कोई फोन देख रहे हो ना एंड आपको फर्क नहीं है कि भाई ऐसे चाइनीज नॉन चाइनीज, मतलब कोई भी आप फोन ले लो, बस आपको गेमिंग से मतलब है, आपको मतलब नहीं कि आपको एमोलेड पैनल चाहिए IPS चाहिए, तो आप लोग इस फोन की तरफ ऐसे मक्खन लाई की तरफ जा सकते हो भाई। 855 प्लस काफी तगड़ा प्रोसेसर है, मतलब 855 और 855 में ज्यादा फर्क तो नहीं कह रहा मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको फर्क मिल जाता है गेमिंग के टाइम पे, आपको मतलब मजा टाइप आने वाला है इस प्रोसेसर के अंदर। तो चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, इधर आपको 4200 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 30W की फास्ट चार्जिंग टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। तो वही बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर की, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, ये काफी बेकार चीज लगी कि भाई अगर गेमिंग के टाइम पर अगर आप ब्लूटूथ वाले लगाते हो, मतलब TWS वगैरह यूज करते हो, तो आपको थोड़ी सी लेटेंसी मिलती है, बट अगर आपको ऐसे मिल जाता 3.5mm का जैक तो काफी मजा टाइप आ जाता। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, सारी सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, गोरिल्ला ग्लास वाईफाई प्रोटेक्शन आपको डिस्प्ले पर मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, रियलमी UI मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको EIS का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो वही बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो आपको 6GB की रैम 128GB की रोम वाले का प्राइस 25,000 का मिल जाएगा।
तो अभी बात करते हैं कि भाई ऑलराउंडर फोन कौन सा है एंड गेमिंग बीस्ट कौन सा है, मतलब एक ऑलराउंडर फोन जिसके अंदर आपको लगभग सारी चीजें बहुत बढ़िया मिल जाएगी। तो सब बढ़िया चीजें आपको मिल जाती है Redmi K20 Pro के अंदर, मतलब एक अच्छी डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, मतलब हर एक चीज के अंदर अच्छा मिल जाता है। एक फीचर रिच UI भी आपको मिल जाता है। वहीं बात करते हैं अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए एंड आपको थोड़ी अच्छी ब्रांड का फोन चाहिए तो आप लोग OnePlus की तरफ जा सकते हो, OnePlus Nord की तरफ, या फिर अगर आप देख रहे हो भाई मेरे को कोई नॉन चाइनीज फोन चाहिए तो आप लोग जा सकते हो Asus 5G की तरफ, या फिर अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, मान लो 23-24 हज़ार का बजट है एंड आप लोग सोच रहे हो कोई तगड़ा फोन लेने का तो आप लोग जा सकते हो Realme X2 की तरफ। उधर आपको प्रोसेसर, डिस्प्ले वगैरह वहां पर भी आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। एंड अगर आप कोई गेमिंग बीस्ट देख रहे हो, मतलब आपको ऐसे फर्क नहीं कि कोई सा भी पैनल हो, IPS एमुलेट वगैरह कुछ, बट हमें गेमिंग से मतलब है तो आप लोग जा सकते हो Realme X3 की तरफ। बट उधर थोड़ी सी दिक्कत है, उधर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता। तो सुल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लो। मिलता कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।